सो ये हमारा पार्सल आ गया है ऑटोफाई की तरफ से। मैंने इसे अमेज़ॉन से ख़रीदा है। ऑनलाइन मुझे ये 650 रुपीज़ में मिला है। सो अभी बॉक्स में देखते हैं हमें क्या मिलता है। सबसे पहले तो ये थैंक यू नोट मिलता है हमें। ये थैंक यू नोट पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे लिखा है गिव अ मिस कॉल ऑन ये नंबर टू विन फ्री ऑटोफाई कार एंड बाइक प्रोडक्ट्स वीकली। इसके बाद हमें यहाँ पे दो रिमोट्स मिलते हैं। ये रिमोट्स है वाटर प्रूफ, अच्छे क्वालिटी के हैं। आपको बारिश के टाइम पे इसका प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे क्वालिटी के रिमोट्स है, प्रीमियम क्वालिटी। ये वाला थोड़ा प्रीमियम है और ये वाला जो है ये कार की शेप में, ये भी अच्छा है वैसे। बाद में हमें मिलता है एक डबल साइडेड टेप, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी हमें मिलता है ये वायरिंग हार्नेस और ये एक कपलर जो सीधा जाएगा हमारी ईसीयू में। सो ये मेन कंट्रोलर हमारे इसका एंटी थेफ्ट अलार्म का, ये इसका एंटीना और ये एक कपलर जाएगा सीधा यहाँ पे। और ये जो सेकेंड वाला कपलर है ये जाएगा हमारे बज़र में। सो ये हमें मिलता है हमारा बज़र। इसकी साउंड कैपेसिटी है 125 डेसिबल्स, काफ़ी अच्छी है और काफ़ी दूर तक सुनाई आएगा अगर किसी ने आपकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ किया तो। ऑटोफाई प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है। यहाँ पे लिखा ही है ऑटोफाई क्या क्या बनाता है, राइडिंग गियर्स, कार एक्सेसरीज, बाइक एक्सेसरीज और कंप्लीट रेंज ऑफ ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स। और ये QR कोड आप स्कैन करोगे तो आपको अच्छे और भी अच्छे ऑटोफाई के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो अभी इसका एक वायरिंग डायग्राम देख लेंगे और इन वायर्स को अच्छी तरीके से समझ लेंगे हम कि कैसे क्या कहाँ फिट करना है। सो अभी हमें सिर्फ 6 वायर्स का काम है। 6 कैसे, येलो 1 और येलो 2 एक ही वायर है, हमें इंडिकेटर्स में ही इसे अटैच करना है। सो येलो 2 होने से कोई मतलब नहीं। सो आप कौन सी भी येलो वायर कहीं पे भी, कौन सी भी लेफ्ट या फिर राइट इंडिकेटर में कहीं भी फिट कर सकते हो। सो पहले जैसा कि आपको बताया ब्लैक बैटरी निगेटिव, रेड आएगी बैटरी के पॉजिटिव में, येलो 1 और येलो 2 ये आपको डिसाइड करना है। आप कहीं पे भी डाल सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये आएगा लेफ्ट इंडिकेटर और ये आएगा राइट इंडिकेटर। तो अभी ऑरेंज वायर जाएगी फ्लैशर रिले में। या फिर फ्लैशर रिले या फिर उस पर लिखा होगा लाइट कंट्रोल यूनिट। अब आई ब्लू वायर आएगी हमारे स्टार्टर पे। सो ये स्टार्टर वायर कैसे लोकेट करना है मैं आपको बता दूंगा। ये जो ब्लू वायर है आपको जब ये इग्निशन की हम बटन 2 बार दबाएंगे तो ये गाड़ी को चालू करने में हमारी मदद करेगी। सो ये स्टार्टर वायर में ब्लू वायर जाएगी। ग्रे वायर का वैसे तो कोई काम है नहीं। पिंक वायर जाएगी हमारे इग्निशन पे। सो ये सब हो गया। और एक है, ब्लैक नहीं है, एक ब्लैक वायर और है। सो वो है हमारे गाड़ी का एंटीना। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है हमें। इसको ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस तक हमारी गाड़ी हमें लोकेट कर पाए, हम हमारी गाड़ी को लोकेट कर पाए। इसे ऐसी जगह लगाना है हमें कि हम मैक्सिमम डिस्टेंस से हम हमारी गाड़ी को ढूंढ पाए, या फिर अगर हमें दूर से कहीं चालू करनी है तो ये एंटीना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। सो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। सो ये सब इसके फंक्शंस है। ग्रे वायर का वैसे तो कोई काम नहीं है, आप उसको फोल्ड करके रख सकते हो या फिर काट के आप उसको फेंक सकते हो। तो अभी ये गाड़ी की सीट और साइड पैनल हमने ओपन कर लिया है। सो अभी बाकी का मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको अभी समझा दूंगा पूरा। तो अभी हमारा कंट्रोलर
ये यहाँ पे सेट होगा, और बज़र जो है ये हम यहाँ पे कहीं लगाएंगे। आपको जहाँ सुटेबल लगेगा वहाँ पे आप लगा सकते हो इसको। और ये एंटीना हम इसको ऐसे इधर डाल देंगे। या फिर ये आप यहाँ से कहीं बाहर निकाल सकते हो। सो अभी बात करते हैं इसकी। सो ये वायरिंग्स जो है इसमें से आप पहले ग्रे वायर को पहली आप फोल्ड करके रख दीजिए, क्योंकि इसका कोई काम आने नहीं वाला है हमें। अब बाकी के जो वायर्स है, पहले हम येलो वायर्स ले लेते हैं। येलो वायर्स जाएंगे यहाँ, ये जो इंडिकेटर के सॉकेट्स है, येलो वायर जाएंगे इंडिकेटर के पॉजिटिव में। कोई भी वायर नेगेटिव टर्मिनल में, किसी भी कपलर के नेगेटिव टर्मिनल में नहीं डालनी है हमें। सो अभी येलो वायर्स हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं। कौन सी भी वायर आप किसी भी इसमें डाल सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। सो ये दो वायर हो गए हमारे बाइक्स में। ये जो आपको बैटरी के बाजू में जो दिख रहा है, यहाँ से एक वायर जारी होगी, ये वाली। सो ये हमारी स्टार्टर वायर है ना। इसको अच्छे से फिट करो। अब बारी आती है ऑरेंज वायर की। सो ऑरेंज वायर को फिट करने के लिए पहले आपको ढूंढना पड़ेगा ये फ्लैशर रिले या फिर लाइट कंट्रोल मॉड्यूल। ये ऐसे ये आपको दिखेगा, बैटरी के पास में ही रहेगा ये। सो इसके जो ये वाली जो वायर है इसकी ब्राउन वाली, उसमें हमें ऑरेंज वायर को फिट करना है इंसर्ट। और बाद में ये कपलर ऐसे ही लगा दो और इसको बाद में यहाँ पे अपने जगह पे फिट कर दो। ऑरेंज वायर का काम हो गया। अब बची ये वाली पिंक वायर। सो अभी ये जो पिंक वायर है ये जाएगी सीधा यहाँ पे। ये इग्निशन आप यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर मेन इग्निशन जो है हम चाबी जहाँ से अनलॉक करते हैं वो हेड, उसके लिए आपको हेड खोलना पड़ेगा। पर बाइक में आपको ये यहाँ मिल जाएगा एक इग्निशन। सो अभी हम इसको इसमें इंसर्ट करते हैं। या फिर आप मल्टीमीटर की हेल्प ले सकते हो, मेरे इसमें मार्किंग है पहले से। ये ऐसे करके बस कपलर को लगा दीजिए। सो इसके लिए आपको स्क्रू ड्राइवर लगेगा, मैंने पहले से इसको ढीला करके रखा है। सो अभी ये बची हुई रेड वायर है, ये जाएगी इसके पॉजिटिव में बैटरी के। इसको अच्छे से सेट करना बाकी है। सो सेट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा लगता है। सो अभी एक ही काम रह गया, ये दोनों कपलर्स को जोड़ना। सो पहले हम इसको जोड़ देते हैं ऐसे, और फिर बज़र की बारी। सो अभी ये सब आएगा सीट के नीचे। तो अभी गाड़ी पूरी तरीके से फिट हो चुकी है और हमारा सिस्टम अभी काम करने के लिए तैयार है। तो एक बार हम सभी ये जो कीज़ के फंक्शन है एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे फर्स्ट वाला लॉक है, सेकंड वाला अनलॉक है, थर्ड वाला इग्निशन और फोर्थ वाला अलार्म। तो अभी हम फर्स्ट वाला दबाते हैं। ये एक बार अगर बजर बजेगा तो इसका मतलब ये गाड़ी अभी लॉक हो गई है, और अगर कोई इसको जाके टच करेगा तो ये गाड़ी अपने आप बजने लगेगी। दो बार बजा मतलब ये सेकेंड टाइम इसका अनलॉक फीचर है। और अगर अभी गाड़ी हमें चालू करनी है तो ये जो इग्निशन की थर्ड वाली जो बटन है हमें इसको दो बार दबाना है। ये कंपनी ने सेफ्टी फीचर इसलिए दिया है दो बार। आप अज्यूम करो कि ये अगर ये की आपके पॉकेट में है और गलती से बाई चांस ही अगर दब जाती है तो गाड़ी आपकी वैसी की वैसी चालू रह जाएगी। सो इसे प्रिवेंट करने के लिए ये कंपनी वालों ने इसको डबल क्लिक दिया है। अगर आप दो बार इसे क्लिक करेंगे
तो ही गाड़ी ऑन होगी। अगर सिंगल टाइम अगर आपने क्लिक किया, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक बार मैंने क्लिक किया, गाड़ी बस करेगी। अभी देखो अपने आप एक बज़र बजा, तो ये एक रिमाइंडर बज़र है। अगर सिंगल टाइम क्लिक हुआ है तो गाड़ी अपने आप एक बज़र बजाएगी, हमें ये बताने के लिए कि एक बार बटन क्लिक हुई है इग्निशन की। तो अभी हम दो बार क्लिक करते हैं इसे चालू करने के लिए। सो ये अभी चालू हो गई है गाड़ी। इसे गाड़ी को बंद करने के लिए हमें अनलॉक बटन दबाना है। ये अभी मैं अनलॉक बटन दबाऊंगा, गाड़ी बंद। और अलार्म बजाने के लिए आता हूँ। गाड़ी का रियल टेस्ट समझो, मैंने रिमोट से लॉक किया गाड़ी को, एक बार बजर बजा, लॉक हो गई गाड़ी। और अभी ये है गाड़ी की ओरिजिनल की। अगर मैं गाड़ी को हल्का सा भी धक्का लगाता हूँ तो बज़र बजना चाहिए। और ओरिजिनल की से अगर मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ गाड़ी को, तो गाड़ी चालू नहीं होनी चाहिए जब तक रिमोट से अनलॉक नहीं होती गाड़ी। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, गाड़ी सेल्फ से चालू नहीं हो रही थी। अभी मैंने अनलॉक किया है गाड़ी को। सो अभी एक बार की से चालू करके देखते हैं। सो अभी हो गया है गाड़ी का पूरा एंटी थेफ्ट अलार्म इंस्टॉल। प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि ऐसे आप और भी वीडियोस देख सके गाड़ी के ऊपर। मैं नए नए वीडियोस लेकर आता हूँ गाड़ी के ऊपर। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ। तो थैंक यू गाइज़।